दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने 2024 के कैसे रहने वाले हैं, इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2024 के बारे में। जनवरी के महीने में तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह जनवरी के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 15 तारीख तक छठे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी से समझ जाइए 1 महीने तक ये जो है आपके सप्तम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य जो है 15 तारीख को सप्तम भाव में चले जाएंगे, बुध जो है 7 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे, 7 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और उसके बाद ये छठे भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। शुक्रदेव 18 तारीख को जो है धनु राशि में चले जाएंगे, लेकिन 1 जनवरी से 18 जनवरी तक पंचम भाव में, उसके बाद जो है ये छठे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल छठे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और केतु तीनों महीने आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में, शनि जो है तीनों महीने जनवरी, फरवरी, मार्च अष्टम भाव में कुंभ राशि में, और राहु भाग्य भाव में तीनों महीने मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु जो है तीनों महीने जो है आपके कैरियर वाले भाव दशम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी है चंद्रदेव, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। अब 2.25 दिन का क्या विश्लेषण किया जाए, चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। यदि चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में यदि गोचर कर रहे होंगे तो मन खराब रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा। चंद्रमा केतु के साथ, राहु के साथ या शनि के साथ यदि गोचर कर रहे हैं तो 2.25 दिन तक, 2 से 3 दिनों तक मानसिक टेंशन रह सकता है, परेशानियां रह सकती हैं, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा, कोई ना कोई जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन 3 दिन के बाद जो है परिवर्तन होगा समय और फिर जो है अच्छी स्थिति रहेगी। तो चंद्रमा का प्रभाव 3 दिनों तक मोटा मोटा पकड़िए कि रहता है, 3 दिन के बाद बदलाव होता है। तो यदि शुभ भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा, और अशुभ भाव में गोचर कर रहा है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा के भाव में राहु की दृष्टि है और राहु जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु नवम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, तो राहु जहां पर देखेंगे वहां पर भी अच्छे करेंगे, स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी सर्दी, जुखाम या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये संभावनाएं हैं जनवरी के महीने में, तो ध्यान रखना है। बात करें धन के बारे में, आपकी कुंडली में राशि के अनुसार से धन के मालिक है सूर्यदेव और सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, यहां पर ये अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो धन की स्थिति के लिए समय बेहतर है, वाणी आपकी बढ़िया रहेगी, कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। सूर्य जो रहेंगे 15 तारीख तक छठे भाव में
उसके बाद ये चले जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम दोनों प्रकार के परिणाम देने का काम करते हैं। अच्छे परिणाम ये है कि व्यापार आपका बढ़िया रहेगा यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो, और बुरे परिणाम ये है कि वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव वाली स्थिति पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है 15 जनवरी के बाद। तो 15 जनवरी के बाद सूर्यदेव जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरे भाव के मालिक हैं बुध देव, और बुध तीसरे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि बुध के पास 2 राशियां हैं, 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि, दोनों के स्वामी बुध देव। पंचम भाव में गोचर करेंगे कब कब तक, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। ये एक अच्छी स्थिति, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वही यदि देखा जाए तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, देखा जाए तो संतान की चिंताएं दूर होंगी। तो बुध देव अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी आप जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो भी बढ़िया है। 7 तारीख के बाद बुध जो है 6ठे भाव में आ जाएंगे। जब 6ठे भाव में आ जाएंगे तो ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के मालिक है 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और अपने भाव को अपनी राशि को ये देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो कंपटीशन में भी सफलता दिलाएंगे, विदेश के अच्छे योग बनाएंगे, शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके बेहतर रहने वाले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। केतु आपके 3रे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, तो तीनों महीने जनवरी फरवरी और मार्च तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 4थे भाव के मालिक है शुक्रदेव, और शुक्र 4थे भाव के भी मालिक है और 11वें भाव के भी मालिक है, 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र का होता है, वृषभ राशि तुला राशि, और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 जनवरी तक 5वें भाव में रहेंगे। तो एक अच्छा योग, आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, बहुत अच्छी स्थिति। वही ये लाभे से तो लाभ देने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, जरिया बनाने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग करवाने का काम करेंगे। पंचम भाव में बैठे हैं तो शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इनसे भी अच्छे परिणाम देने का काम यहां पर करते हैं। ये कब तक रहेंगे, 18 जनवरी तक। उसके बाद ये 6ठे भाव में चले जाएंगे, तो 6ठे भाव में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्रदेव 6ठे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा, यात्राओं का योग बनाने का काम करते हैं, देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं। तो शुक्र भी आपको मिले जुले परिणाम ये समझ जाइए 6ठे भाव में अच्छे ही देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, तो पंचमेश है मंगल, क्योंकि यहां पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल आपके कैरियर के भी मालिक है, क्योंकि 1 नंबर जो है मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पूरे जनवरी के महीने में मंगल 6ठे भाव में ही रहेंगे और 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। 6ठा भाव होता है कंपटीशन का, नौकरी का, तो नौकरी यदि आप करना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश में है, तो जनवरी के महीने से अच्छा योग है, आप प्रयास करिए, आपको सफलताएं मिलेगी, कंपटीशन में सफलताएं का योग है, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करते हैं, व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं, ऋण लेकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। तो अच्छी स्थिति, मंगल यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और पूरे महीने मंगल देव जो है यहां पर रहने वाले हैं। शिक्षा के लिए समय बेहतर है, संतान के लिए समय बेहतर है, लव लाइफ के लिए समय बेहतर है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बेहतर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करें हम, देखा जाए तो मंगल राशि परिवर्तन राजयोग में भी है, तो ये एक और अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु जो है मंगल के घर में और मंगल जो है गुरु के घर में, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है प्रमोशन के लिए।
नौकरी के लिए, कैरियर के लिए। वही गुरु जो है कैरियर के भाव में, दशम भाव में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र के भाव में, तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी, केंद्र भाव में बैठे। और जब भी केंद्र भाव में गुरु शुभ गोचर करे तो कई सारे दोषों को अपने आप समाप्त कर देते हैं। तो गुरु आपके छठे भाव के मालिक है, भाग्य भाव के मालिक है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, और यदि है तो प्रयास करोगे तो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब गुरु कैरियर के भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। इनकी यदि हम पांचवी दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि धन भाव में, धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आवक को बढ़ाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार से सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी बढ़िया बनाने का काम करेंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, वाहन का योग बनाएंगे। और इनकी नवम दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी विजय दिलाएंगे, विवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। तो गुरु की स्थिति तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत अच्छी है और अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। सप्तम भाव के मालिक है शनिदेव, और अष्टम भाव के मालिक है शनिदेव, और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि वालों की ढैया चल रही है। शनि अष्टम भाव में अपने घर में होने के कारण ढैया ये बुरी नहीं रहेगी, और शनि अच्छे हैं, अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। इस कारण से शनि तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने आपको लाभ देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से भी लाभ देंगे, गुप्त धन देने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो तीनों महीने शनि आपको लाभ देंगे। बात करें राहु के बारे में जो कि भाग्य भाव में विराजमान है, और राहु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। स्वाभाविक है कि भाग्य में वृद्धि करना, अचानक किस्मत को पलटने का काम यहां पर राहु करते हैं, भाग्य को अचानक पलटने का काम करते हैं, पिता के संबंधों में मजबूती और व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम यहां पर करते हैं। तो तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो बारहवें भाव के मालिक बुध देव है, और बुध जो है आपके 7 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे, उच्च शिक्षा के लिए योग बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि बिजनेस करना चाहते तो कर सकते हो, और विदेश की यात्राएं करना चाहते, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते तो आप बनवा सकते हो। तो ये एक बेहतर स्थिति है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। फरवरी के बारे में बात करें तो सूर्यदेव 13 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे, 13 तारीख तक सूर्यदेव जो है आपके सप्तम भाव में रहेंगे, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे, कंप्रोमाइज करना है, और 13 तारीख के बाद ये चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, धन फालतू का खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है, पिता के साथ संबंध जो है खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, सूर्य का उपाय करना है, सूर्य को नियमित जल चढ़ाना है सुबह, और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है जिससे आपको लाभ मिले। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावना फरवरी के महीने में बन सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना है। मंगल जो है 5 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे, मंगल छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 5 फरवरी को ये उच्च राशि में, अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, और पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाएंगे, रुचक नामक राजयोग। यह समान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव कीर्ति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, तो मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, अचानक कैरियर आपका जबरदस्त बदल जाएगा। तो कैरियर के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है यदि हम बात करें तो फरवरी के महीने में। मंगल कैरियर के मालिक है और उच्च राशि में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा पद आपको मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें शिक्षा संतान लॉ लाइफ की तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पंचमी सप्तम भाव में गोचर करें तो लॉ लाइफ बढ़िया रहती है, विवाह के रिश्ते आते हैं, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहता है। बुध जो है 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे,
मकर राशि में जो है यहां पर बुध अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और 20 तारीख के बाद जो है ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो व्यापार आपको बढ़िया रहेगा, विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या विदेश जा करके काम करना चाहते या कर रहे हैं वहां पर विदेश में, तो अच्छे रिजल्ट जो है बुध जो है फरवरी के महीने में देंगे। शुक्र जो है 12 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे तो शुक्र भी अच्छे परिणाम आपको देंगे। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर भी अच्छा माना जाता है, व्यापार की स्थिति को बढ़िया बनाएंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, तो शुक्र भी जो है फरवरी में अच्छे परिणाम देंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो जो जनवरी में फल दे रहे थे वैसे ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सूर्य का आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी। सूर्य का उपाय जरूर करना है फरवरी के महीने में, सूर्य का उपाय यदि कर लिया तो फरवरी का महीना भी बहुत ही शानदार है। मार्च के बारे में बात करें तो सूर्य जो है 14 तारीख को मीन राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा बल पावर या पद आपको मिल सकता है, पिता के संबंध बढ़िया रहेंगे, लेकिन राहु रहेगा साथ में इसलिए उपाय करते रहना है क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, इसलिए कुछ समस्याएं और काम थोड़ा विलंब के साथ होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मंगल जो है 15 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में, जो कि बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, फालतू आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए ये स्थिति बढ़िया नहीं है। 15 तारीख के बाद 15 फरवरी के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है 15 मार्च के बाद, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। कैरियर में भी किसी के साथ विवाद हो सकता है तो कैरियर में भी थोड़ा ध्यान रखना है। बुध जो है 7 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे और यहां पर बुध जो है मीन राशि में जब आएंगे तो नीच राशि में गोचर करेंगे और साथ साथ राहु है, तो ये समझ आइए कि थोड़ी परेशानियां बढ़ाएंगे। क्या परेशानियां बढ़ाएंगे? विदेश से जुड़ी हुई परेशानियां जो है थोड़ी बढ़ाने का काम करेंगे और वही जो है भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम करेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, इसलिए बुध का भी उपाय करें, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। तो बुध की स्थिति भी मार्च के महीने में बढ़िया नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो है 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, ये जो है आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, जहां पर नुकसान हो रहा वहां पर बचाने का काम भी करेंगे, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धन में ये वृद्धि करेंगे, कोई धन में खर्च कराएगा तो ये वृद्धि करने का काम करेंगे। तो मार्च के महीने में मंगल और बुध दोनों पर आपको फोकस करना है, दोनों का उपाय करना है, ओम अंगंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना है, हनुमान जी की सेवा करना है और गणेश जी की आराधना करना है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो मार्च के महीने में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।